हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लेफ्ट आवर टॉपिक दैट इज थेरापोटिक यूजेस ऑफ द एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस. थेरापोटिक यूजेस ऑफ एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस. और हमने इसके लिए निमोनिक क्या बनाया था? ओके, सो इसका जो निमोनिक था वो क्या था? बीई सी एम पी. बीई का क्या है? कैंप लगाए. ठीक है, सो बी फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग. बेलाडोना पॉइजनिंग. नेक्स्ट जो क्या था वो? ई फॉर आई पे इफेक्ट रहता है जो. ठीक है, सो एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस बेसिकली आई में क्या करते हैं? एक तो ग्लॉकोमा को जितने, मतलब जो दो टाइप के ग्लॉकोमा होते हैं, एक तो ओपन एंगल ग्लॉकोमा हो गया हमारा और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा जो हो गया. सो आई में ये क्या करता है? आई में ग्लॉकोमा को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस हमारे जो रहते हैं. फिर जो एडहेशन हो जाता है आयरिस और कॉर्निया के बीच में, उसको, उसके एडहेशन को ब्रेक करते हैं विथ द हेल्प ऑफ माइड्रियाटिक्स के साथ इनको देते हैं. ठीक है, फिर जब हम लोग रिफ्रैक्शन टेस्टिंग करते हैं, जो प्यूपिल हमारी डायलेट हो जाती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में वापस से हेल्प करते हैं. सो ये तीन फंक्शंस हो गए जो बेसिकली आई में ये, मतलब एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस हमारे परफॉर्म करते हैं. फिर जो सी 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 की हमने बात करी थी, सो उसमें क्यूरेयर पॉइजनिंग की बात करी थी, जो कि एक एरो पॉइजन होता है. ठीक है, एरो की जो हेड रहता है, मेटेलिक पोर्शन जो रहता है तीर का पर्टिकुलरली, तो उसके ऊपर जो मतलब पॉइजन लगता था वो कौन सा रहता था? ये हमारा बेसिकली क्यूरेयर रहता है. ठीक है, सो क्यूरेयर पॉइजनिंग और कोबरा बाइट की बात करेंगे हम लोग इसमें. और इसको ये भी बोल सकते हैं नॉन डीपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकेट के रिवर्सल के लिए भी यूज होता है. ठीक है, रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकेड. ठीक है, अब एक ही बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या आता है हमारा? अल्जाइमर डिजीज. अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, फिर एम की जो बात करते हैं उसमें क्या करते हैं? मायस्थेनिया ग्रेविस. मायस्थेनिया ग्रेविस. और पी से क्या आता है हमारा? पी से बेसिकली क्या आता है हमारा? पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में भी यूज हो रहा था. पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में एंड ऑल्सो इन पैरालिटिकस इलियकस. पैरालिटिकस इलियस इसमें. सो ये सारे क्या हो गए हमारे? थेरापोटिक यूजेस हो गए जिसमें हम लोग एंटीकोलिनिस्ट्रेजेस को यूज करते हैं. और ये निमोनिक क्या हो गया इसका? बीई का क्या लगा है? कैंप लगा है. ठीक है, सो अब एक एक को, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम लोग पहले जो छोटे टॉपिक हैं उनको डिस्कस करके फिर बड़े टॉपिक पर हमारे जाएंगे, दैट इज ग्लॉकोमा, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड अल्जाइमर डिजीज. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और पैरालिटिकस इलियस की. पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन एंड पैरालिटिकस इलियस. ओके, सो इसमें हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं? इसमें हम लोग नियोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर करते हैं. नियोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर करते हैं. सो नियोस्टिग्मिन से क्या होता है? तो पहली बात तो जो हम लोग कर रहे हैं, जीआईटी में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे? M3 रिसेप्टर. सो नियोस्टिग्मिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है M3 रिसेप्टर को. इंक्रीज करेगा क्या? टोन को इंक्रीज करता है, पेरिस्टेल्सिस को इंक्रीज करता है. ठीक है,
और क्या करेगा, डिक्रीज द स्फिंक्टर और ओपन द स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को क्या करता है, ओपन करता है। सो ये सारे जो फंक्शन है इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो कॉन्स्टिपेशन की जो कंडीशन है उससे रिलीफ मिलता है और देयर विल बी पैसिंग पासिंग ऑफ स्टूल। इन केस ऑफ पैरालिटिकस इलियस। और अगर नेक्स्ट जो केस है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन में, सो जनरल एनेस्थीसिया जब भी एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है, जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाता है। तो नियोस्टिग्मिन क्या करता है, बेसिकली जो ब्लैडर पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ब्लैडर पे जो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है हमारा, उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से यहां पे जो डेट्रूसर मसल होती है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है डेट्रूसर मसल को। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रूसर मसल एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द ट्राइगोन स्फिंक्टर, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर। और इसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी वॉइडिंग ऑफ यूरिन। और कहा जाए अच्छे से तो इंक्रीज द यूरिनेशन, ठीक है, इंक्रीज द यूरिनेशन। सो ये तो हमारा पी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, बेलेडोना और एट्रोपिन पॉइजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, एट्रोपिन पॉइजनिंग की बात करते हैं। सो हमने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया था कि बेलेडोना और एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम लोग क्या एडमिनिस्टर कर रहे थे, फाइसोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर कर रहे थे। वाई फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन इज एडमिनिस्टर्ड बिकॉज इट इज टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड इट इज लिपिड सॉल्यूबल। कैसा होता है ये, लिपिड सॉल्यूबल होता है, सो इट क्रॉसेस और मतलब एक्ट ऑन, मतलब इट हैव बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल इफेक्ट्स, पेरिफेरल एंड सेंट्रल इफेक्ट्स। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फाइसोस्टिग्मिन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो एट्रोपिन की वजह से जो भी मस्कारिनिक रिसेप्टर का ब्लॉकेड हो रहा था वो क्या होगा, बेसिकली स्ट्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइसोस्टिग्मिन क्या करता है, M3 रिसेप्टर्स को बेसिकली क्या करेगा, स्ट्यूमुलेट करेगा। तो बेलेडोना पॉइजनिंग में हेल्प करता है हमको। फिर बात करते हैं क्यूरेर पॉइजनिंग की, क्यूरेर पॉइजनिंग, या तो रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है, नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकेड, या तो कोबरा बाइट की बात करते हैं। सब में एक ही कंडीशन आती है, कोबरा बाइट सब में लगभग एक ही कंडीशन आती है। क्या होता है, जो NM रिसेप्टर होते हैं उसका क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। NM रिसेप्टर जो रहते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ब्लॉकेड हो जाता है इसमें। तो इसमें हम लोग क्या एडमिनिस्टर करते हैं, या तो नियोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर, सॉरी, या तो फाइसोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर करेंगे, फाइसोस्टिग्मिन, और या तो नियोस्टिग्मिन एडमिनिस्टर करेंगे अलंग विथ एट्रोपिन। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो बेसिकली किस पे होगा, इनके निकोटिनिक इफेक्ट्स होंगे और मस्कारिनिक इफेक्ट्स होंगे। सो जो एट्रोपिन होगा वो क्या करेगा, इसके जो मस्कारिनिक एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि इंक्रीज्ड सिक्रीशन और ये सब, तो वो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है क्योंकि हमको NM रिसेप्टर पे फंक्शन कराना है बेसिकली। तो एट्रोपिन क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसीलिए एट्रोपिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं और हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। सो क्यूरेर पॉइजनिंग और रिवर्सल ऑफ NMDA NDM
नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकेड में या तो फिर कोबरा बाइट में इनको हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीन फंक्शंस। अब बात करते हैं आई की। तो आई में जो अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ग्लॉकोमा। ठीक है, सो ग्लॉकोमा में क्या होता है, देयर विल बी, और ये कैसी रहती है, ओके सो ये कैसी रहती है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इट इज प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ठीक है, और ये कंडीशन अराइज क्यों होती है, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, सो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर तो बढ़ गया, पहली बात तो ये करते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब अगर कोई भी वेसल है जिसमें प्रेशर इंक्रीज है तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डैमेज। ठीक है, डैमेज, ठीक है, सो ये जो डैमेज रहता है, मतलब नॉर्मल अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की हम लोग बात करें, नॉर्मल आईओपी कितना रहता है, 10-20 mm ऑफ एचजी। अगर इससे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा सो क्या होगा बेसिकली कि देयर विल बी डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। There will be damage to the optic nerve, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा, There will be loss of visual function. तो intraocular pressure बढ़ रहा है। Normal pressure कितना होता है, 10-20 mm of Hg, लेकिन अगर इससे increase हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो optic nerve जो signal ले जा रही थी उसमें क्या होगा, damage हो जाएगा basically, और क्या होगा, There will be loss of visual function, ठीक है। अब ये कैसी रहती है, देखिए इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर रहता है, एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर जो रहता है, एक्वस ह्यूमर जो रहता है वो, एक तो उसके एक्सक्रीशन की बात करेंगे और एक उसके सिक्रीशन की बात करेंगे। तो एक्सक्रीशन की बात करें और सिक्रीशन की बात करते हैं, तो आई में जो सीलियरी प्रोसेस रहती है, ठीक है, सीलियरी प्रोसेस, वहां से ये क्या होता है बेसिकली सिक्रीट होता है, ठीक है, और एक्सक्रीशन इसका कहां से होता है, या ड्रेनेज कह सकते हैं, ठीक है, ड्रेनेज भी कह सकते हैं, तो वो होता है बेसिकली ट्रैबेक्यूलर मेशवर्क से एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, ट्रैबेक्यूलर मेशवर्क। अब यहां दो चीज हो सकती है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, या तो सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, या तो एक्सक्रीशन ड्रेनेज कम हो रहा है, या तो सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। इन दोनों रीजंस की वजह से बेसिकली क्या होगा, जो आईओपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, और इसका हम लोगों को मैनेजमेंट देखना है, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, सो ग्लॉकोमा के टाइप्स की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली, एक तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा, और दूसरा कैसा होता है, क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा को और क्या कहते हैं, ए फॉर एक्यूट, ठीक है, सॉरी एक्यूट एंगल ग्लॉकोमा को और क्या कहते हैं, एंगल, ठीक है, ए फॉर एक्यूट, सो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा भी इसको कहते हैं, एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा भी कहते हैं, ठीक है, या तो नैरो
एंगल ग्लॉकोमा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके नेम हो गए। अब बात करते हैं क्रॉनिक की, तो इसको ये एंगल एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है, तो ये क्या, ओपन एंगल ग्लॉकोमा, ओपन एंगल ग्लॉकोमा। और क्या कहेंगे, क्रॉनिक है तो वाइड वाइड एंगल ग्लॉकोमा। तो ये सारे तो पहली बात है इनके नाम हो गए। अब एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा में और क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा में डिफरेंस की बात करते हैं। तो क्या रहता है, जो कुछ रेसेस रहती हैं ह्यूमंस की, सो उसमें क्या रहता है, जो एंटीरियर चैम्बर है वो काफ़ी नैरो रहता है, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर जो है वो कैसा रहता है, मतलब नैरो इरिडो कॉर्नियल एंगल रहता है, जो आयरिस और कॉर्निया डायग्राम की डायग्राम से इसको समझते हैं कि ये हो गया हमारा कॉर्निया, ठीक है। ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर में डायग्राम बना रहा हूँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर बना रहा हूँ, सो ये हमारा हो गया कॉर्निया, ठीक है। यहाँ होती है हमारी लेंस, ठीक है, ये हो गई हमारी लेंस। ठीक है, यहां से क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो हो रहा है यहां से, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी आयरिस जो कि सराउंड कर रही है पूरा, ठीक है, और ये हो गई हमारी सीलियरी प्रोसेस पूरी, ठीक है। ये क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया। ये क्या हो गई हमारी आयरिस, ठीक है। सो ये जो कॉर्निया और आयरिस का ये जो एंगल, मतलब ये क्या है अपना जो चैम्बर है पूरा, आयरिस और कॉर्निया का ये जो चैम्बर है, मैं बताता हूँ कौन सा, ये जो आयरिस और कॉर्निया का ये जो चैम्बर जा रहा है, ये क्या होता है, काफी शैलो होता है, मतलब काफी छोटा होता है, ठीक है। या तो क्या होता है कि नैरो इरिडो कॉर्नियल एंगल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एंटीरियर चैम्बर का गैप है ना, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से डायग्राम को समझा देता हूँ आप लोगों को। ये हो गई हमारी लेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्निया, ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया हमारा कॉर्निया, ठीक है। ये क्या आ रहा है, आयरिस, आयरिस, ठीक है। और ये क्या हमारा सीलियरी प्रोसेस, जहाँ से क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है बेसिकली, मतलब सिक्रीशन हो रहा है इसका, सीलियरी प्रोसेस। ये क्या है हमारा, आयरिस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर। तो ये आयरिस है, ये क्या है, कॉर्निया है यहाँ, ठीक है। सो आयरिस और कॉर्निया का ये जो एंगल रहता है यहाँ पे, साइड का ये जो एंगल है ये छोटा है, ठीक है। ये या तो क्या है, काफी नैरो है, ठीक है, काफी पतला है, ठीक है। या तो एंटीरियर चैम्बर क्या है, शैलो है, ठीक है। तो इसकी वजह से कौन सा ग्लॉकोमा होता है, इसकी वजह से एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा होता है, ठीक है। और ये इसमें मतलब हम लोग जब माइड्रियाटिक्स देते हैं तो सिक्रीशन कम हो जाता है, तो सिक्रीशन जब कम होता है माइड्रियाटिक्स देने के बाद, तो सॉरी हाँ सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। माइड्रियाटिक्स देने के बाद क्या होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, और ड्रेनेज भी कम हो जाता है माइड्रियाटिक्स, मतलब सिक्रीशन कम हो जा रहा है एक तरीके से, तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक्यूमुलेट होता जा रहा है सब्सटेंस। और ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं बेसिकली, जिसके अंदर क्या रहता है, ये मतलब जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है, या वो तो शैलो रहता है, ठीक है, शैलो रहता है, या तो ये जो आयरिस और कॉर्निया के बीच का ये जो एंगल है यहाँ पे, यहाँ से भी क्या होता है, ये पूरा एंटीरियर चैम्बर में फ्लूइड भरा रहता है यहाँ से, तो ये यहाँ से एक तो आउटफ्लो रहता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो, क्या कहते हैं, ट्रेबेक्यूलर आउटफ्लो। और एक ये होता है यहाँ, यहाँ से आउटफ्लो होता है, मतलब फ्लूइड यहाँ से जाता है, सिक्रीट होता है, इसको कहते हैं यूवो स्क्लेरल आउटफ्लो, ठीक है। तो इरिडो कॉर्नियल एंगल अगर क्या होगा, काफी नैरो होगा, ठीक है, इरिडो कॉर्नियल एंगल अगर नैरो होगा तो भी एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा की कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली रहती है, पहली बात तो इट इज जेनेटिकली,
सॉरी, ये जो कंडीशन रहती है ये बेसिकली प्रेसिपिटेट होती है किसके साथ? प्रेसिपिटेटेड, अगर किसी ऐसे पेशेंट को हम लोग दे रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट होती है किसके साथ? माइड्रियाटिक्स के साथ। और ये कौन से पेशेंट्स में कॉमन रहती है बेसिकली? जिनके अंदर क्या रहता है, वेयर देयर इज नैरो इरिडो कॉर्नियल एंगल और शैलो एंटीरियर चैम्बर। शैलो एंटीरियर चैम्बर, तो ये कंडीशन बेसिकली उनके अंदर अराइज होती है और ऐसे लोगों को हमको माइड्रियाटिक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है आईओपी का, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसको हम लोग जब, ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन रहती है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन रहती है। और ऐसे में क्या रहता है, जब अटैक को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बेसिकली अटैक को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं, अभी आगे हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग्स इनको मैनेज करने में यूज हो रही है, तो उसके बाद फिर सर्जिकल और लेजर इरिडोटॉमी कर देनी चाहिए। मतलब ये जो एंगल है उसका थोड़ा सा क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे बेसिकली। और ये जो क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा होता है, ये कैसा होता है, ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन रहती है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड कंडीशन रहती है, जिसमें जो हमारा ट्रेबेक्यूलर मैशवर्क हमने देखा था, ट्रेबेक्यूलर जहां से फ्लो हो रहा था वहां ट्रेबेक्यूलर मैशवर्क प्रेजेंट रहता है, सो वो पेटेंट नहीं रहता काफी ज्यादा, ठीक है, मतलब उसकी पेटेंसी हो जाती है, वो मतलब फ्लो नहीं होने देता है, ठीक है। सो देयर विल बी पेटेंसी ऑफ द ट्रेबेक्यूलर मैशवर्क, ठीक है। पेटेंसी ऑफ ट्रेबेक्यूलर मैशवर्क, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली पेटेंसी हो रही है ट्रेबेक्यूलर मैशवर्क की। सो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, फार्मेको फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं बेसिकली। या तो कहें अगर उसको, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देते हैं जिससे ये इसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, और उनकी ड्रग की अभी और मैनेजमेंट की बात हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, अब ड्रग्स की बात करते हैं जो कि एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में और क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा में बेसिकली क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा, और ये क्या है, क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा। सो सबसे पहले क्या एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन को रोकते हैं हम लोग क्या देखे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देखे। सो इसमें हम लोग एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में कौन सा देते हैं, एसिटाजोलामाइड। और इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, या तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा में भी एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, ठीक है, एसिटाजोलामाइड, या तो ब्रिनजोलामाइड भी दे सकते हैं, ब्रिनजोलामाइड। और इसके साथ साथ और क्या दे सकते हैं, डॉर जोला माइंड,
ठीक है। तो ये तीन चीजें एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें से जो एसिटाजोलामाइड है उसको आईवी या ओरल देते हैं, ठीक है, आईवी या ओरल देते हैं, और बाकी टॉपिकल, और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन किसका करते हैं, डॉर्जोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड का करते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसके इसका निमोनिक याद करने के लिए अगर याद करना है तो इसको बैड BAD ड्रग्स आर गिवन इन क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा एंड ओनली एसिटाजोलामाइड इज यूज एज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है एक्वस ह्यूमर के, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है, ये सिक्रीशन को मतलब फॉर्मेशन इंक्रीज, फॉर्मेशन बढ़ाएगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे तो क्या करेगा, फॉर्मेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग क्या देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिंस, और प्रोस्टाग्लैंडिंस में हम लोग बेसिकली क्या एडमिनिस्टर करते हैं, लेटेनो प्रोस्ट, ठीक है, लेटेनोप्रोस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, जो कि बेसिकली टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है लेटेनोप्रोस्ट का, कितना, 0.005%। और प्रोस्टाग्लैंडिन को जो हम लोग क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा में एडमिनिस्टर करते हैं वो भी लेटेनोप्रोस्ट ही है। कितना एडमिनिस्टर करते हैं, 2%, ठीक है, 2% एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्रॉनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब बात करते हैं मायोटिक्स की। तो मायोटिक्स जो कि बेसिकली हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पाइलोकार्पिन, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है, ठीक है, पाइलोकार्पिन। और इसमें भी क्या एडमिनिस्टर करेंगे, पाइलोकार्पिन, इसका भी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पाइलोकार्पिन का भी कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। 2% पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा, एंड क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा में 0.5% पाइलोकार्पिन इज यूज। तो ये तो ड्रग्स कॉमन हो गई, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इसमें यूज कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज कर रहे हैं, बायोटिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद और भी जो ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या यूज होता है, बीटा ब्लॉकर, क्या, बीटा ब्लॉकर। सो बीटा ब्लॉकर जो यूज होते हैं, बीटा ब्लॉकर जो यूज करते हैं, तो बीटा ब्लॉकर में क्या आता है हमारा, टीमोलॉल, जो कि वाइडली यूज होता है, ठीक है, टीमोलॉल को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो टीमोलॉल को कितना एडमिनिस्टर करते हैं, 0.5% टीमोलॉल टॉपिकली इज यूज इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा, और बीटा जोलॉल, कार्टेलॉल और टीमोलॉल, इसको याद करने की ट्रिक है, BCT, दैट इज 0.25% एंड 0.25% टीमोलॉल एंड बीटाजोलॉल इज यूज टॉपिकली, एंड 1% ऑफ कार्टेलॉल इज यूज, 1%, ठीक है, ये भी क्या है हमारा, 1%, ठीक है, ये भी क्या हमारा, 1% टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका क्या है, 0.25% और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है लगभग सबका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बीटा ब्लॉकर। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑस्मोटिक एजेंट्स। अब जो दो ड्रग्स, मतलब जो कि डिफरेंटली यूज होती हैं, अभी तक तो कॉमन ये यूज था, ठीक है, कि बीटा ब्लॉकर इसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, मायोटिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा रहता है उसमें हम लोग ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक एजेंट्स। और जो हमारा मतलब क्रॉनिक सिंपल ग्लॉकोमा है उसमें हम लोग अल्फा एड्रिनर्जिक एजेंट्स यूज करते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक एजेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑस्मोटिक एजेंट्स में कौन यूज होता है, एक तो मैनिटॉल आईवी। मैनिटॉल को हम लोग आईवी क्यों देते हैं, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा रहता है, इसलिए मैनिटॉल को 20% मैनिटॉल आईवी इज गिवन, 20% मैनिटॉल आईवी इज गिवन। और इसके अलावा क्या देते हैं, ग्लिसरॉल देते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है,
ग्लिसरॉल आईवी को कैसे देंगे, 50% ओरली एडमिनिस्टर्ड, 50% ओरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्लिसरॉल, ठीक है। और अल्फा एड्रिनर्जिक ड्रग्स की बात करें तो डीपी वेफरिन और एप्राक्लोनिडिन, ठीक है, एप्राक्लोनिडिन यूज करते हैं, ठीक है। सो डिपीवेफ्रिन और एप्राक्लोनिडिन, सो 0.1% डिपीवेफ्रिन इज टॉपिकली यूज्ड एंड 1% ऑफ एप्राक्लोनिडिन इज टॉपिकली यूज्ड, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे ड्रग्स जो कि मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अब एक एक के मैकेनिज्म को सेपरेटली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जो कि हम लोग बेसिकली एडमिनिस्टर कर रहे थे। तो इनका क्या फंक्शन होता है, ये नॉन कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। दीज आर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है हमारा उसको नॉन कॉम्पिटेटिवली क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होता है ना साइट, अदर देन वेयर द ड्रग बेसिकली, मतलब वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, तो उसके अलावा जो साइट होता है दैट इज द एलोस्टेरिक साइट पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और क्या करेंगे, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो जब फॉर्मेशन कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि आईओपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। और ये जो ड्रग्स थी हमारी कौन सी थी, बी ए डी, दैट इज ब्रिंजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड और डॉर्जोलामाइड, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के बाद अगर बात करते हैं बेसिकली, तो सेकेंड हम लोग लेते हैं, सेकेंड जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं एड्रिनर्जिक, अल्फा एड्रिनर्जिक ड्रग्स, अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। सो ये कौन से थे हमारे, एक तो एप्राक्लोनिडिन, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं, बेसिकली टॉपिकली यूज करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, सो इसके सेंट्रल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इट डज नॉट हैव सेंट्रल इफेक्ट्स लाइक क्लोनिडिन, ठीक है, लाइक क्लोनिडिन जो कि इसी की क्लास की ड्रग है, ठीक है। डू नॉट हैव सेंट्रल इफेक्ट्स, क्यों, क्योंकि इसको मतलब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो सेंट्रल इफेक्ट्स बेसिकली नहीं होंगे क्लोनिडिन के जैसे, ठीक है। तो ये क्या करेगा अल्फा, ठीक है, ये क्या करेगा डिक्रीज द फॉर्मेशन, ये भी क्या करेगा फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा इंट्राक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा, आईओपी विल डिक्रीज। सो ये तो हो गया एप्राक्लोनिडिन। फिर अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि हम लोग दूसरा यूज करते हैं वो रहता है हमारा डीपीवेफ्रिन, क्या डीपीवेफ्रिन। सो जब डीपीवेफ्रिन क्या करते हैं, ये क्रॉस करता है किसको, सो जब ये क्रॉस करता है कॉर्निया को, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ईस्टरेज एंजाइम की जब प्रेजेंस में डीपीवेफ्रिन क्या करता है कॉर्निया को क्रॉस करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एड्रिनालिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके फिर दो फंक्शन रहते हैं, ठीक है। एक तो फंक्शन रहता है स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा वन एंड अल्फा टू रिसेप्टर्स को क्या करेगा, बेसिकली ये स्टिमुलेट करेगा। और एड्रिनलिन खुद क्या करता है, खुद तो इंक्रीज करेगा यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो को, ठीक है, मतलब ड्रेनेज एक तरीके से इंक्रीज कर रहा है। और अल्फा टू और अल्फा वन रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस
ह्यूमर, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट डिक्रीज इन द इंट्राऑक्युलर प्रेशर। ठीक है, सो ये हो गए हमारे अल्फा टू एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि यूज होते हैं, सॉरी अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, एप्राक्लोनिडिन एंड डीपी वेफरिन। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग थर्ड यूज कर रहे थे वो कौन से यूज कर रहे थे, मायोटिक्स यूज कर रहे थे, मायोटिक्स यूज कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आ रहा था, पाइलोकार्पिन, हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाइलोकार्पिन। ठीक है, ये क्या करेगा, सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज सिक्रीशन। ठीक है, एंड डिक्रीज द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, डिक्रीज द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, और ये दोनों में यूज होता है, एक तो ओपन एंगल ग्लॉकोमा में यूज होता है, ओपन एंगल ग्लॉकोमा में, और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लॉकोमा, दोनों में यूज होता है। ठीक है, जो हमारे मायोटिक्स रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ, दैट इज ऑस्मोटिक एजेंट्स, ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो इसमें क्या यूज कर रहे थे हम लोग, मैनिटॉल और ग्लिसरॉल, मैनिटॉल आईवी और ग्लिसरॉल ओरल। ठीक है, 20% और 50%। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये क्या करेंगे, ड्रेनेज को ये भी इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज द, और दे विल ड्रॉ द फ्लूइड, ड्रॉ फ्लूइड आउट, फ्लूइड आउट। सो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द ड्रेनेज और एक्सक्रीशन। ठीक है, ड्रेनेज को इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, देयर विल बी डिक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, अब जो फिफ्थ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिंस। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिंस में हम लोग बेसिकली कौन कौन से यूज कर रहे थे, लैटेनोब्लास्ट, लैटेनो प्रोस्ट, और ये भी कॉमन था यूज इसका, कि मतलब इसको भी दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, सो ये कैसे रहते हैं, पी जी एफ टू, पी जी एफ टू, पी जी एफ टू अल्फा एनालॉग। ठीक है, और ये किसमें प्रेफर करते हैं इसको, इट इज प्रेफर्ड इन, इट इज प्रेफर्ड इन एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा में यूज करते हैं। इसका काम क्या रहता है, इट इंक्रीजेस द यूओ स्क्लेरल, एंड डिक्रीजेस द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। मोर ओवर ये कैसा रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है इसका काफी। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। और फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टीमोलॉल, टीमोलॉल, जिसको कि हम लोग वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, वाइडली यूज्ड, व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड, बिकॉज इट लैक्स लोकल एनेस्थेशिया, लैक्स लोकल एनेस्थेशिया। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, लैक्स लोकल एनेस्थेशिया, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, और क्या होगी प्रॉपर्टी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बेटर टॉलरेटेड, बेटर टॉलरेटेड। ठीक है, इट इज यूज्ड टॉपिकली, सो कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इट इज यूज्ड टॉपिकली, टॉपिकल टीमोलॉल इज सेफ। ठीक है, टॉपिकल टीमोलॉल जो रहता है वो काफी सेफ रहता है, इसीलिए टीमोलॉल को काफी ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, टीमोलॉल को काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेस और मेन हो गया हमारा क्या टॉपिक, ग्लॉकोमा फिनिश। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि सिक्रीशन इंक्रीज होता है ग्लॉकोमा में। फाइनली एक बार और सम अप कर लेते हैं। ठीक है,
देयर विल बी इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड डिक्रीज्ड ड्रेनेज, डिक्रीज्ड ड्रेनेज। ठीक है, सो इसमें हमको मैनेजमेंट में क्या करना है, वी विल डिक्रीज द सिक्रीशन एंड इंक्रीज द ड्रेनेज, और ये सारी जो अभी तक हमने ड्रग्स पढ़ी है ये सारे यही काम कर रही हैं। ओके, सो हेयर वी फिनिश आवर टॉपिक ग्लॉकोमा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मायस्थीनिया ग्रेविस, और जो कि हमने मायस्थीनिया ग्रेविस अभी तक डिस्कस कर ही लिया है कि उसमें क्या होता है, बेसिकली मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। ठीक है, मस्कुलर मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, सो क्या हो जाता है यहाँ पे, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है मस्कुलर वीकनेस, बिकॉज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एनएम रिसेप्टर, एनएम रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी फॉर्म होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसके मैनेजमेंट में क्या एडमिनिस्टर करेंगे, मैनेजमेंट में हम लोग क्या देते हैं इसके, या तो फाइसोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन और या तो नियोस्टिग्मीन दे देंगे। ठीक है, नियोस्टिग्मीन एडमिनिस्टर करेंगे अलंग विथ द एट्रोपीन, पहले एट्रोपीन एडमिनिस्टर कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सिर्फ हमको एनएम रिसेप्टर पे फंक्शन हमारा चाहिए। और इसके डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम लोग, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, एड्रोफोनियम टेस्ट, एड्रोफोनियम टेस्ट। सो 0.2 mg IV एड्रोफोनियम एडमिनिस्टर करते हैं, तो अगर 10 मिनट में कंडीशन इम्प्रूव्स, सो इट इज मायस्थेनिया क्राइसिस, मायस्थेनिया क्राइसिस। और 10 मिनट्स में अगर कंडीशन वर्सन, सो ये क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस, और फाइनल जो यूज है वो है अल्जाइमर डिजीज में, किसमें, अल्जाइमर डिजीज में। ओके, ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज में यूज करते हैं इसको, और क्या कहते हैं, सिनाइल एट्रोपी, एट्रोपी मतलब डिक्रीज इन साइज। ठीक है, और सिनाइल मतलब एज के साथ साथ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर विल बी डीजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, डीजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। और इसमें हम लोग फाइसोस्टिग्मीन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ठीक है, फाइसोस्टिग्मीन इज नॉट एडमिनिस्टर, वाई, बिकॉज इट हैव सेंट्रल प्लस पेरिफेरल इफेक्ट्स। डिक्रीज क्या होता है, डिजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, अब इफेक्ट हमको कहाँ चाहिए, ब्रेन में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं, तो पेरिफेरल इफेक्ट्स हमको अवॉइड करने हैं, इसीलिए हम लोग फाइसोस्टिग्मीन ना यूज करते हुए रिवास्टिग्मीन, डोनेपेजिल, सॉरी रिवास्टिग्मीन, गैलेंटामीन। ठीक है, क्या, रिवास्टिग्मीन और गैलेंटामीन और डोनेपेजिल, इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। सेकंड अगर बात करें तो इनके सेंट्रल इफेक्ट्स ही रहते हैं।
ठीक है, सेंट्रल इफेक्ट्स ही रहते हैं, पेरीफेरल साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, या पेरीफेरल इफेक्ट्स नहीं रहते जो कि हमको अवॉइड करना है बेसिकली। इसीलिए ये क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं अल्जाइमर डिजीज में। ड्रग ऑफ चॉइस को क्या रहते हैं, अल्जाइमर, अल्जाइमर डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, डी आर डॉक्टर डी आर जी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे थेरापोइटिक यूजेस हो गए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेस। सो इनका क्या रहता है, ये बेसिकली किसमें, ये सारे कैसे रहते हैं, हाईली लिपिड सॉल्यूबल, दे आर हाईली लिपिड सॉल्यूबल। ये सारी ड्रग्स कैसी रहती हैं, हाईली लिपिड सॉल्यूबल। इनमें हम लोग दो टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब दो ड्रग्स को पढ़ेंगे बेसिकली, एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और एक कार्बामेट्स, ठीक है, कार्बामेट्स, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है, ठीक है, और एंटीकोलिनेस्ट्रेज है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या ये रहते हैं, हाईली लिपिड सॉल्यूबल रहते हैं। तो जो फार्मर्स रहते हैं, इनका कोई बेसिकली थेरापोटिक यूज नहीं है, लेकिन जो फार्मर रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये लिपिड सॉल्यूबल है तो ये क्या करते हैं, स्किन को भी पियर्स करके अंदर के, मतलब स्किन को पियर्स करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, इनकी पॉइजनिंग हो जाती है। और ऐसे ऐसे मतलब इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज को बेसिकली हम लोग पॉइजनिंग के ही केसेज में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं कैसे, इरिवर्सिबली, ठीक है। तो इरिवर्सिबल जब एंटी मतलब कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करेंगे तो देर विल बी इंक्रीज इन द एसिटाइल कोलिन, देर विल बी इंक्रीज इन एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगे, न्यूरो निकोटिनिक इफेक्ट्स होंगे और मस्कारिनिक इफेक्ट्स होंगे। और मस्कारिनिक इफेक्ट्स जो कि मोर प्रोमिनेंट रहते हैं, मतलब जो कि मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज के ही वजह से पॉइजनिंग हुई है, सो उसमें वो क्या हो जाएगा, बेसिकली पिन पॉइंट प्यूपिल। और एक और क्या इफेक्ट है, इंक्रीज्ड सिक्रीशन, इंक्रीज्ड सिक्रीशन। सो ये बेसिक इफेक्ट्स हैं, मतलब जो कैरेक्टराइज करेंगे कि हाँ एंटीकोलिनेस्ट्रेज की ही वजह से पॉइजनिंग हुई है। और क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस, ट्रेमर, जो कि मतलब अभी तक हमारे निकोटिनिक और मस्कारिनिक साइड इफेक्ट्स थे एसिटाइल कोलिन की वजह से, वही सारे सिम्टम्स आएंगे, ट्रेमर्स आ जाएंगे, ठीक है। देन देयर विल बी ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, डिक्रीज्ड एचसीएल सिक्रीशन, डिक्रीज्ड एचसीएल सिक्रीशन, डायरिया, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होंगे इनकी वजह से, क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसमें ड्रग्स जो हमारी आती है वो आती है मालाथायोन, मालाथायोन, ठीक है, पैराथायोन, इसको क्या कहते हैं, टिक 20, टिक 20, ठीक है, डायफ्लॉस, और टैब्यून, सेरीन, ठीक है, सेरीन, और इसमें क्या क्या आ जाती हैं, कार्बारिल और प्रोपॉक्सर, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट को ओपी पॉइजनिंग होती है तो उससे हम लोग हिस्ट्री लेते हैं कि मतलब आप कहीं फील्ड में तो नहीं गए थे, ठीक है, और मतलब उससे हिस्ट्री लेते हैं
की और ये हिस्ट्री ले ली पहले तो ठीक है, फिर उसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जब वो आता है तो उसके क्लॉथ्स को और उसके मतलब स्किन को अच्छे से वॉश करते हैं ठीक है, और क्या करेंगे एट्रो और मैनेजमेंट में जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग एट्रोपीन, आइट्रोपीन एडमिनिस्टर करते हैं 2 mg IV ठीक है, कितने मिनट तक, 5 मिनट तक एडमिनिस्टर करेंगे या हर 5 मिनट के गैप में, इन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। सो 5 मिनट के इंटरवल में बार बार हम लोग एट्रोपीन करेंगे एडमिनिस्टर, तब तक जब तक जो पेशेंट रहेगा वो फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड नहीं हो जाए, फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड नहीं हो जाए। फुल्ली एट्रोपिनाइज्ड का मतलब क्या है कि उसका एक तो सिक्रीशन कम हो जाए ठीक है, देयर विल बी डिक्रीज्ड इन द सिक्रीशन, फिर डिक्रीज्ड इन द सिक्रीशन ठीक है, फिर माइट्रियासिस होता है एट्रोपीन से ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब एट्रोपीन को, एट्रोपीन की पॉइजनिंग में नियोस्टिग्मिन दे रहे थे, नियोस्टिग्मिन से क्या हो रहा था, फाइसोस्टिग्मिन से क्या हो रहा था मायोटिक हो रहा, मायोसिस करा रहा था फाइसोस्टिग्मिन, तो एट्रोपिन क्या कराएगा, माइड्रियासिस कराएगा, सो डिक्रीज सिक्रीशन, माइड्रियासिस और डिक्रीज इन हार्ट रेट लेस देन 100। सो ये सारी कंडीशन होती है जिसमें क्या रहता है, पेशेंट जो रहता है वो फुल्ली एट्रोपिनाइज हो जाता है ठीक है। अब क्या रहता है कि ये हमारे मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पे फंक्शन करता है कि ओपी पॉइजनिंग हुई ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट इंक्रीज हुआ ठीक है, और उसने क्या किया, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया, और हमने क्या किया, एट्रोपीन एडमिनिस्टर किया, जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि जो निकोटिनिक इफेक्ट्स थे वो अल्टर नहीं हो पाए ठीक है, वो अल्टर नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि एट्रोपिन जो रहता है सिर्फ उसके मस्कारिनिक इफेक्ट्स रहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ACHE रिएक्टिवेटर्स दे देते हैं जो कि हमारे बेसिकली क्या रहते हैं, ऑक्सिम्स रहते हैं ठीक है, ऑक्सिम्स। तो ऑक्सिम्स में कौन सा रहता है, प्रालीडॉक्सिम ठीक है, और डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम रालीडॉक्सिम और डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं, 2 gram IV एडमिनिस्टर करते हैं, कैसा, स्लोली एडमिनिस्टर करेंगे, तो इसके तो क्या रहते हैं, ओनली पेरिफेरल इफेक्ट्स रहते हैं लेकिन जो डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम रहता है उसके सेंट्रल, मतलब सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट्स दोनों रहते हैं, सो जो निकोटिनिक इफेक्ट्स है ये बेसिकली क्या होगा, ये उनको भी अल्टर करने में हेल्प करेंगे। तो इस ये इनका फंक्शन क्या रहता है एसिटाइल कोलिनेस्टेज एक्टिवेटर्स का, कि जो हमारा एंजाइम रहता है, सॉरी ये जो हमारा एंजाइम है, तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं, इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ठीक है, ये जो बॉन्ड रहता है ये फॉस्फोराइलेशन से बनता है, और ये ईस्टरिक साइट रहती है एंजाइम की, हमारे ईस्टरिक साइट रहती है एंजाइम की। तो हम लोग जो ये ऑक्सिम्स दे रहे हैं ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रांग एफिनिटी रहती है ऑर्गेनोफॉस्फेट से ज़्यादा स्ट्रांग एफिनिटी रहती है एंजाइम के एन आयोनिक साइट से क्या रहती है, ज़्यादा एफिनिटी रहती है। तो ये एन आयोनिक साइट पे बाइंड तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये जो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये जो अटैचमेंट हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, तो ये क्या करेंगे, इस बॉन्ड को डीफॉस्फोराइलेट कर लेंगे,
तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को तो ट्रीट करते हैं, लेकिन जो कार्बामेट्स होते हैं, ठीक है, कार्बामेट्स जो रहते हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये ईस्टरिक साइट हो गई, ये एनायनिक साइट हो गई। तो कार्बामेट्स जो रहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अलावा, जिनकी वजह से पॉइजनिंग होती है बाई चांस अगर, तो वो कैसे रहते हैं, बिगर मॉलिक्यूल से रहते हैं। ईस्टर और एनायनिक साइट दोनों को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे ऑक्सिम्स रहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रहते, इसीलिए ऑक्सिम्स आर नॉट ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो हेयर वी आर डन विथ आवर ड्रग अफेक्टिंग द एएनएस। ओके,